डीवीसी मैनेजर केस अब ग्राम सभा हेडे केस अको अरे कॉन्स्टिट्यूशन हेड तो ग्राम सभा जे सरकार खिलाफ रे चेदा ग्राम सभा नोडेन को बाको केस अका उनी चेतान रे एट्रोसिटी केस हुई दरे या तो रगी पे बुझाओ या चबांगा अरे रगी पे बुझाओ या चबांगा चेदा अखिल आदिवासी चेतान रे मध्य प्रदेश रे को पेशाब अरे मोहर को चुड़ुआ बोना आर लोडे अब धर्म थानो को एड़े बोना नोआ तो चेट करना नो आदिवासी के तो बांगा रेंगे जोर को नुंका एड़ बोना रेंगे जकान ते नुंका एड़ बोना को अदो को मेरा लड़ाई चिकम दड़ेया अलिन तो लड़ाई दड़ाई रेना फर्मुला लिन दया आबोर इन जिदिर हपड़ाम को गेल बार शर्मा नोड़े को बिचेर लिया नोआ नोआ कथा तो नोड़े को ओल दहो आका और नोआ कथा संविधान रे ओल मेरा और नोआ ते दिसम चला कना नोआ पे बड़ाई चवांगा अदो लड़ाई दड़ाई लगी तो कतोगन फर्मुला मेरा अलिन तीन मिनट तक लिन चबाया लड़ाई दड़ाई लगी फर्मुला मेरा मैंने को लड़ाई दुश्मनों के विरुद्ध लड़ा जाता है दुश्मनों को साथ लेकर नहीं लड़ा जाता है तेन यानी दुश्मनों को कहना है अलिन तो तेन जो अलिन तो लेविन का क्लियर नहीं लिया अलिन जेते पॉलिटिशियन लोग खुद आवरण भाई भी कहना को पॉलिटिशियन जेते भाई भी कहना को जेते को मिला जुला कहना को सेंट्रल कमेटी स्टेट गवर्नमेंट अरे सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना डीबीसी तो स्टेट गवर्नमेंट का बिना परमिशन से कैसे सर्वे करेगा अरे भाई हिस्सा किसका है स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा बनो ना समझना होगा ये चीज हमको ये पैसा किसका लगा है पूंजीपतियों का क्या हमको हाइडल पावर बनने से हमको हिस्सा मिलेगा शेयर मिल सकता है नहीं मिलेगा किसके लिए बनेगा पावर बंगाल या कोई यूपी के लिए या पंजाब के लिए पावर बनेगा क्या उसके लिए मेरा धर्म स्थान को हम जाने दे नहीं उसके लिए कोई खून बहाने का जरूरत नहीं है केवल हमको तकनीकी रूप से लड़ाई लड़ना है कानूनी रूप से भी लड़ाई लड़ना होगा आज के युग में तीर तलवार से नहीं चलेगा माओवादियों ने 50 साल लड़ाई लड़ा क्या सरकार से सके एलटीटी ने 150 साल से ज्यादा लड़ाई लड़े सीरिया लड़े खत्म हो गए सरकार के पास बंदूक है बंदूक की फैक्ट्री है गोलियां बनाती है आदिवासी के पास तीर है तो डंडा नहीं है डंडा है तो नंगा है डंडा है तो नंगा है तो लड़ाई आज हमको इस तरह का आंदोलन से नहीं हमको कानूनी रूप से लड़ाई लड़ना जीतना होगा कानूनी रूप से ये भीड़ देख के सरकार नहीं जाती है भीड़ का एक विचारधारा होना चाहिए भीड़ का एक विचारधारा जिसका होगा वही लड़ाई जीतेगा मैं पूरे भारत में भारत सरकार को हिलाया था और मुझे 3 साल जेल में रखे क्या 3 साल के बाद मुझे डरा पाए तो कानून की आपको जानकारी आपको लेना होगा संविधान के ज्ञान आपको लेना होगा बहुत सारा जजमेंट है मेरे पास जजमेंट मैं लेके आया हूं उसको नहीं बता रहा ये वनाधिकार हमारा बहुत सारा ये वनाधिकार अधिनियम हमारे पास है लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अभी आया तो मेरे को ग्राम सभा भी खत्म कर देगा पैसा को भी खत्म कर देगा तो ये समझना होगा दुश्मन कौन हुआ किसका पैसा में पॉलिटिशियन ये लोग खड़ा होता है कॉरपोरेट का पैसा में तो कॉरपोरेट मेरा दुश्मन है यदि मेरे पास भी आज पैसा होता तो हाइडल पावर हम लगाएंगे कहां लगाएंगे हम तय करेंगे ग्राम सभा तय करेंगे आज ये पूंजीपति तय कर रहा कि यहां आदिवासी जहां पर है वहीं पर डेवलपमेंट का पॉलिसी लाएगा ओडेगे को विकास योजना को अगुईया नवा पिया बुरु दबांगा मरंग बुरु आर नवा लुकु बुरु आर अयोध्या बुरु समुद दबांगा कपी बुरु हो चला कना वो यहाँ कुछ लिया पे कना इन 23 तारीख किलो को हो दिन तानो कपी बुरु जहाँ पंडित रघुनाथ मुर्मू तपस्या करते ओल चिकी अब मेन मसाले नवा उपे लगाव बना ओना हको अखरीनिया और ओना पता नहीं लगा क्या ओड़ा ढिंकी को तैयार ना करना ओड़ा ढिंकी के को तैयार नो खानी ना खान चिका में बच्चा समस्या नोवा तो नहीं जकना कहीं ना कहीं बाको में ना भीषण जयचंद और मिर्जा फर जो दीता है खान ओना लड़ाई बाय दाड़े तो वो यहाँ को अब तो कम गया लड़ाई अब मैंने को लड़ेंगे जीतेंगे लड़ने के पहले सीखेंगे
लड़ने से पहले सीखेंगे। अलीन कृष्णा हंसदा और आदिवासी महासभा रेनिज जनरल सेक्रेटरी लेकाते मेरा लीजा और उनका जो सरजम दा छोलागुड़ा ग्राम रेनिज मझी होपन तेहेन रंगाव रैली रे जहां जे लुगुबुरु रेना जहां हाइडल पावर प्रोजेक्ट खिलाफ रे तहेकना नोआ रे तेहेन नोआ नेलेना जे नोआ हाइडल पावर प्रोजेक्ट हुयन चाहे डेवलपमेंट रे जहां पॉलिसी के इंडिया रे हिजू कना केवल और केवल फिफ्थ शेड्यूल एरिया और आदिवासी को चेतान रे हिजू कना तो नोआ ते नोआ ठीक कना जे केंद्र सरकार या राज्य सरकार नौकिन ना इच्छा में ना जे आदिवासी के जहां लेकाते के नोडे खन विस्थापित रेना टोटली विस्थापित माने नॉट ओनली पॉपुलेशन ते विस्थापित नोडे तो टोटली धर्म ते कल्चर ते या भाषा ते जेते आते विस्थापित लेखान के आदिवासी तो गोय रेना दरकार बाई हुआ चेदा से आदिवासी डिमांड अड़ी ते बढ़ावा कना और आदिवासी डिमांड बढ़ावे ते यूएनओ रे नितो प्रेशर हिजु कना जे सरकार मैंने आज भारत रे आदिवासी बनू को किंतु जखन आदिवासी महासभा नवा भारत रे आदिवासी दिवस मनाव एहोब किया है सरकार नितो कटघरा रे हिजु कना कि आखिर आदिवासी रे भारत रे नुने आदिवासी मेना को एन रो चेदा भारत रे केंद्र सरकार भारत ने केंद्र सरकार नोट रे भारत सरकार भारत ने केंद्र सरकार चेदा अगुई है ओनाते तेहेन बतोर ते नो जे नाना हुनरा विकास ना योजना अगुई है और मकसद दो हुयो कना आदिवासी के विस्थापन आदिवासी विस्थापन गोटा के उड़ीसा रे हो हुई ना ओने अबिना काला ये रे हुई ना अबे कालांडी रे हुई ना जहाँ वेदांता कंपनी हतावा मेनते इना पर नितो कपी बुरु रेना ओना पोजीशन गे हेज कना तो नोडे अबिना लुगु बुरु रे हो हेज कना अयोध्या बुरु रे अबिना मरंग बुरु रे जहाँ परसनाथ बुरु नोरे डिग्री हुई कते रो चेदा नो वालेसन याको ना प्रिवी काउंसिल रेना 1911 रे ऑर्डर कना एन रो नोआ को वालेसन या इसका मतलब ओकोय नोआ दाड़े मेनाया जे नोआ ओना वालेसन या इनका नोआ ते नोआ ठीक कना जे कॉर्पोरेट को कमी कना जहाँ के सरकार में ना को केंद्र सरकार हुए राज्य सरकार हुए एमएलए एमपी हुए ने राज्यसभा सांसद हुए जेते के जेते नुकु तो कॉर्पोरेट इशारा ते को कमी कना और नुकु कॉर्पोरेट पैसा हर इलेक्शन रे खर्चा करते अबोरेन जहाँ के एमएलए एमपी को दाड़े कना ओना पैसा ते ओना ते अबो लगी तो मांग को कमिया नोआ जिनिस ते नरी अबोरेन ट्राइबल को या आदिवासी को बांग को बुझेव नाम का होना लगी ते एक बात है यहाँ पे राष्ट्रपति आपका है मुख्यमंत्री आपका झारखंड में है और बोला जाता है कि आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं आपका संथाल समाज का मुख्यमंत्री क्या कहेंगे आप इसमें। देखिए बात मुख्यमंत्री का होना एक अलग बात है दूसरा है सरकार सरकार और अलग बात है तो यहाँ भले राष्ट्रपति हमारा आदमी रह जाए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारा हो जाए लेकिन बात हो रहा है कि गरीबों का कोई काम नहीं करता है जो अमीर रहेगा उसी का काम होता है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है ये जब से वोट का व्यवस्था आया है तब से आदिवासी लोग बिखर गए लेकिन संविधान के यहाँ पांचवी अनुसूची में भाग खा के परा पांच में सब परा एक में लिखा हुआ यही संविधान के किताबों में कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बनाया हुआ कानून अनुसूचित जातियों के ऊपर या अनुसूचित क्षेत्रों पर सीधी रूप से लागू नहीं होता है बिना राज्यपाल के लोक अधिसूचना के। तो सवाल ये हो रहा वायलेशन कौन कर रहा है क्या ब्यूरोक्रेट्स दोषीदार है या हमारा एमएलए एमपी दोषीदार है क्यों आज तक हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाए डिटेक्ट नहीं कर पाए सवाल ये पैदा हो रहा। तो हमने ये डिटेक्ट किया कि जब तक आदिवासी अमीर नहीं बनेगा पैसा वाला नहीं बनेगा तब तक आदिवासियों के साथ इस तरह का विस्थापन और इस तरह का पलायन और इस तरह का जो अत्याचार चलते रहेगा। अभी जो 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है जी इसमें आप लोग का समाज या पूरा आदिवासी क्या स्टेप लेगा? हम लोग का समाज यही निर्णय लेगा। मैं तो समाज का बड़ा अगुआ नहीं हूँ लेकिन समाज का मैं जो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में समाज को यही निर्णय लेना पड़ेगा जो आपका धर्म आपका भाषा और आपके संस्कृति आपके हक अधिकार की बात करेंगे उसी को हम लोग वोट देंगे अन्यथा हो सकता है आदिवासी वोट शामिल ना हो ऐसा भी हो सकता है क्यों? यही है बात। बंचा लगी तो आदिम को मिट्टी के उपयोग जब तक आदिवासी टाका पैसा कौड़ी ते बांग बोन केटेजोआ मरवाड़ी गुजराती लेका तब तक दो नौकाना एने चला गया एड़े एपेड़े हुयू गया। जुवन को नुआ गे संदेश ली जमा को आज पॉलिटिक्स को बुझेमा और जब तक पॉलिटिक्स बाग को बुझेवा
दोस्त दुश्मन बाको ठीके को लड़ाई बाय दाड़े लड़ाई ना टंडी रे दो जिते को लहाते गाते और बहरी उरुम हुआ। तो अब जुवन कोड़ा को ना नौकरी लगे चिंता में ना आको ओको ये गोजेट को ओना रेना बतोर मेना या ओना रेना चिंता मेना इनखान अबोरेन जुवन कोड़ा को नवा मेसेज लिए मा को बोया को ओल पढ़ा दो जरूरी गया लेकिन ओल पढ़ाव कते नो जुदी आम नौकरी चाकरी बाम नामा इनखान दो आम मिट्टी गे मेना ओहर डहर आमा ओत हसा मेना आमा बीर बुरु मेना आम एन रहो चेदा बाम किसानो कना इनखान देलांग बन बोया किसान लगे अली नौकान योजना में दू साल ते अब बन किसान दड़ा और अब हजन मोड़े सेरमा पर अब कथा आजम है नई सरकार के या बीजेपी सरकार के जहाँ सरकार हजू है मेरा काम चलेगा अब चला मेना को मनी इज मसल पावर मनी इज एवरीथिंग मनी इज कैन डू एवरीथिंग नवा जिनिस अदाते सनाम जुवन को नवा गेलिं प्रेरित कोआ जे दिलांग बन किसान आबन और किसान अकान खान बन नुई सरकार चाहे बीजेपी सरकार अब कथा आजम है। अच्छा गोमके किसान तेमा टाइम लगा नित अब कमी एवं अडीबन किसान मन का नित वर्तमान रे जहां विपद है करा नवा जैसे हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट नोड बेना गया हुई दड़े गपा दिन पर माने मी मने बात कई क्यों है तो उना लगे उना रोका लगे चेत बुन पे नित अब अब नित अरे जुडिशियरी एक्शन बाबन हतावका अब डीवीसी रे मैनेजर केस आवन कनाय ग्राम सभा रे हेड केस आको कनाय अरे कॉन्स्टिट्यूशन रे हेड कनाय लई दो ग्राम सभा जे सरकार तो नोवा खिलाफ रे चेदा ग्राम सभा नोडेन को बाको केस आका उनी चेतन रे एट्रोसिटी केस होई दरे जुडिशियल एक्शन रे हिजु होया बनाबो आ तो जुडिशियल एक्शन हताव लेखन उनी बात तो बेकअप मा बेक मरावा उनी मेरा यार मेरा नौकरी है हमको नहीं करना है केस केस से हर आदमी डरता है वो भी डरता है पुलिस भी डरता है आज का मामला में भी पुलिस के ऊपर केस बन सकता है के केस दरकार जितने भी इस पावर प्लांट को लगाने के लिए पदाधिकारी का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों पर केस करेंगे आप लोग जरूर हम लोग करेंगे यदि आज और भी ज्यादा प्रताड़ित करने का काम किया दोबारा वैसे पदाधिकारियों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसको हम लोग सजा दिलवाएगा ये काम हम लोग जरूर करेंगे।